वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेट इज़ फिलेसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अगेन स्टैम्प के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्लेटिनियम जुबली असम मेडिकल कॉलेज इंडियन स्टैम्प। इस वीडियो में मैं आपको इसी स्टैम्प के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये स्टैम्प कब रिलीज़ किया था और ये क्यों रिलीज़ किया गया था, और आप इसको अपने कलेक्शन में कैसे ऐड करके ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आपका हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना या मिनिएचर सेट कलेक्ट करना, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊँगा जिसके थ्रू आप इस स्टैम्प को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये किस ईयर को रिलीज़ हुआ था और जिस ईयर को रिलीज़ हुआ था उस वक्त इसका कितना प्राइस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में इस स्टैम्प को रिलीज़ किया गया था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। उस वक्त सिर्फ 5 रुपये प्राइस था, बट इसका 2023 में प्राइस 16 रुपये होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा है, 11 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप 2022 में इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आपको 11 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होता, बट अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये किस डेट को रिलीज़ हुआ था। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जिस डेट को रिलीज़ हुआ था, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 3 नवंबर 2022, मतलब 3 नवंबर 2022 को इस स्टैम्प को रिलीज़ किया गया था इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका नेम था प्लेटिनियम जुबली असम मेडिकल कॉलेज इंडियन स्टैम्प। तो ये क्यों रिलीज हुआ था, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटिनियम जुबली असम मेडिकल कॉलेज इंडियन स्टैम्प, इस स्टैम्प का नेम है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो असम मेडिकल कॉलेज है, इसके 75 साल हुए थे, इस वजह से ये स्टैम्प को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैम्प कॉमेमोरेटिव द 75th ईयर ऑफ असम, मतलब 75 साल हो गए थे इस कॉलेज के, इस वजह से ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्टैम्प को रिलीज किया गया था। यहाँ पे और देख सकते हैं द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेरी बाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन इन असम डिब्रग मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ मेडिकल एडुकेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेडिसिन का पढ़ाई में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑन 28 अप्रैल 2022 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मार्क्ड अ न्यू बिगनिंग इन कैंसर केयर विथ द इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट टुआर्ड, मतलब नरेंद्र मोदी जी इस स्टैम को इनॉग्रेट किए थे। क्यों इनोग्रेट किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं कैंसर केयर विद द इनोग्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ असम मेडिकल कॉलेज। ये एक मतलब संस्था हुआ था ओपन, और उस दो जो संस्था था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न था इस स्टैम्प को निकालने का, कि जो असम कॉलेज का 75 साल हुआ था, इसी वजह से उसको ऑनर देने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्टैम्प को रिलीज़ किया गया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये किस कंट्री में रिलीज़ हुआ था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया है, सेट टाइप क्या है, स्टैम्प है, ईयर ऑफ रिलीज 3 नवंबर 2022, और इसका ज्योग्राफी क्या है, सिंगल कंट्री, और इस न्यू और स्टैम्प का कंडीशन न्यू है। अगर आप इस न्यू स्टैम्प कंडीशन को अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको अपना गूगल ओपन करना होगा, गूगल में आपको जाके सर्च करना होगा फिलेसी। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप करके दिखा रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी करना है। तो आप लोग को सबसे पहले अपना गूगल ओपन करना है और आप लोग को यहाँ पर आना है और सर्च करना है फिलेसी। मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, आपको इस तरह से फिलेसी सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, इस तरह का आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप मिनिएचर सिटी स्टैम्प
यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना होगा, आपको सर्च करना होगा। तो सर्च करने के लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे। पहले मैं ऐड टू कार्ट वाले हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं हटा दिया हूँ। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना होगा। तो मैं अभी आपको बता रहा था प्लेटिनियम जुबली स्टैम्प के बारे में, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं सर्च किया हूँ, प्लेटिनियम जुबली असम मिडिल कॉलेज इंडियन स्टैम्प ओपन हो गया है। अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्राइस बताया जाएगा कि कितना प्राइस है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद यहाँ पे कार्ट में कितना आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, 10, 20, 30, जितना भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके चेकआउट में चला जाएगा। यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल्स फिल करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है पेमेंट करने का, पेपल और क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेपल से करना है तो आप पेपल सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे चुन लेंगे। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे आपके फ़ोन पे एक मेल जाएगा या मैसेज जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज, और फिर आपका कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर। और फिर हम लोग की कंपनी आपको इसको लिमिटेड टाइम में आपके घर तक सुरक्षित डिलीवर करेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, स्टैम्प से रिलेटेड वीडियो, मिनिएचर शीट से रिलेटेड वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और आप लोग किस स्टैम्प का वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस तरह का एक वीडियो लेकर आऊँगा, उस स्टैम्प से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।